ये है अहमदाबाद की मशहूर शिमला पहाड़ी। और अब सवाल ये बनता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो ये जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा खानपुर अड्डे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अली रज़ा और वेलकम टू शशका टूर 2020। प्लान ये है कि पिंडी से सकरदू तक ट्रैवल करना है। तो सफ़र का आगाज़ हुआ रहीम यार खान से रावलपिंडी तक बस के ज़रिए, क्योंकि आगे का रास्ता हमने बाइक पे तय करना था, तो बाइक हमने बस में ही साथ रखवा लिया। चाय पीने के लिए रास्ते में रुके, चाय भी हो गई, खाना भी हो गया। अब बारी थी प्लान बनाने की कि जाना कहाँ पे है। एक काबिल गौर बात यह है कि इस व्लॉग की हर चीज़, कैप्चरिंग से लेके पोस्ट प्रोडक्शन तक, एडिटिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, सब कुछ फ़ोन पे हुआ है। अब हम इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और जहाँ पे मोटरवे की वजह से गाड़ियाँ 8-8 घंटे में इस्लामाबाद पहुँच रही थी, हमारे भैया जी ने वही सफ़र 11 घंटे में कंप्लीट किया है। बिलाल गया जी बाइक निकलवाने, वो देखें बाइक आ गया, टैंकी फुल करवाई और निकल पड़े एबटाबाद की तरफ। वैसे तो रावलपिंडी से एबटाबाद जाने के बहुत से रास्ते हैं, जिनमें से एक रास्ता है मरी नथिया गली से एबटाबाद तक, जिस पे हमने नहीं जाना था। और दूसरा रास्ता है टैक्सला हसन अब्दाल वाला, उस पे भी हमने नहीं जाना था। और तीसरा रास्ता है खानपुर डैम वाला, जिस पे हम गए। टैक्सला पहुँचे तो वतन की हवाएं ही बदल गई थी। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो HIT नज़र आ गई, जहाँ पे किसी दौर में इंटर्नशिप की थी। खैर सफ़र जारी रहा और दिलकश मनाजिर ने सफ़र की सारी थकान ख़त्म कर दी। इस वक्त हम खानपुर शहर के एक होटल पे चाय पीने के लिए रुके हैं और नाश्ता भी इधर ही कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में खानपुर डैम पहुँचे तो हमने स्टे करने का फ़ैसला किया, और स्टे का मतलब था शशका। फाइनली हम लोग एबटाबाद पहुंच चुके हैं और इस वक्त दोस्त के घर जा रहे हैं। एबटाबाद पहुंच के दोबारा नाश्ता थोड़ा और फिर रेस्ट करके निकल पड़े शिमला पहाड़ी।
तो रावलपिंडी से एबटाबाद तक बाइक पर ट्रैवल करने में मुझे ये आइडिया हो गया कि बाइक राइडिंग इज़ एन आर्ट। तो मैंने इस पूरे आर्ट को एक टर्म का नाम दिया है विच इज़ बाइकरी। सो लेट्स प्रमोट हैशटैग बाइकरी। सो अगर आप एडवेंचर लवर हैं सो स्टे कनेक्टेड बिकॉज अपकमिंग वीडियोज़ में बहुत मज़ा आने वाला है। अनटिल स्टे ब्लेस्ड, पीस।